फिर दोस्तों आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ में। और दोस्तों अगर आप गांव में रह रहे हैं और एक अच्छे रोज़गार की आप तलाश कर रहे हैं तो आप रोज़गार बड़ी आसानी के साथ में पा सकते हैं। हम बात करने वाले हैं खाद लाइसेंस के बारे में और यहां पर हम आपको बताएंगे कि खाद लाइसेंस आप कैसे ले सकते हैं और खाद लाइसेंस लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और कौन सी प्रक्रिया होती है तब आप खाद लाइसेंस आराम से आप ले सकते हैं और लाइसेंस लेने के बाद में अच्छे खासे पैसे भी आप कमा सकते हैं। यानी कि दोस्तों फर्टिलाइज़र का आप लाइसेंस कैसे ले सकते हैं इसकी फुल डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और ये जानने के लिए वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले हम आपको बताएंगे खाद लाइसेंस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत होती है तब जाकर आप खाद का लाइसेंस ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए और इसके साथ में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड और इसके बाद में आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। एक आपको बायोडाटा किसी भी कंप्यूटर शॉप से बनवा लेना है। उसके बाद में एक अधिकार पत्र आपको ज़रूरत होती है। अब आपको अधिकार पत्र कैसे मिलेगा और कहां से मिलेगा तो यहां पर हम आपको बता देते हैं कि अधिकार पत्र जो भी होलसेल के विक्रेता होते हैं यानी कि जो खाद के थोक विक्रेता होते हैं उनसे आपको जो है अधिकार पत्र मिल जाता है। वहां पे वो बड़ी आसानी के साथ में आपको अधिकार पत्र बना के दे देते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर हम आपको बता दें कि एक आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर से एक आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है तभी आपको खाद का लाइसेंस मिल पाएगा। इसके बाद में ये जो डॉक्यूमेंट हो गए इसके साथ में हम यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर आपको एक एफिडेविट बनवाना होता है। किसी भी आप कचहरी पर्सन में जाएंगे वहाँ पर आपको जाना है और उससे बोलना है कि भैया फर्टिलाइज़र का एक एफिडेविट बनवा दीजिए तो वो एक एफिडेविट बनवा देंगे। वहाँ पर भी एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो की ज़रूरत होती है। इसके बाद में एक आपको रेंट एग्रीमेंट की ज़रूरत होती है लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि रेंट एग्रीमेंट तभी लगाया जाता है जब आपकी दुकान नहीं हो और इसके साथ में आप किसी की भी दुकान किराए पर ले रहे हैं तो वहाँ पर रेंट एग्रीमेंट लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपकी दुकान निजी है और आप अपनी ही दुकान में खाद का काम करना चाहते हैं तब आपको रेंट एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पर एक स्वामित्व प्रमाण पत्र बनाया जाता है वो भी कचहरी परिसर में बना दिया जाएगा और वही आपको एक स्वामित्व प्रमाण पत्र बनवा लेना है। यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया है कि कौन कौन से अगर आप खाद का लाइसेंस ले रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट की तो बात हो गई, अब हम यहाँ पर बता देते हैं कि इसको आप अप्लाई कैसे करेंगे यानी कि फर्टिलाइज़र लाइसेंस आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये जो हमने डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं ये डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर जीएसटी भी आपको बनवा लेना है यानी कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर लेना है और जीएसटी आपको बनवा के अपने पास रख लेना है। उसके बाद में यहाँ पर लेने के प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं कि आप चाहे तो खुद स्वयं ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर आपको कृषि विभाग जाना है और वहाँ पर कृषि विभाग में जाकर आपको ये जो हमने डॉक्यूमेंट बताए हैं सारे डॉक्यूमेंट आपको जमा कर देना है। जमा करने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे लेकिन इसकी फ़ीस कितनी और कैसे क्या पड़ेगी तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि दोस्तों की फ़ीस जो है अलग अलग राज्यों के हिसाब से होती है तो फीस का बताना तो नामुमकिन है क्योंकि आप अपने जाइए कृषि विभाग में, वहाँ पर आप इसकी फ़ीस मालूम कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम फीस नहीं बता सकते, आप हमारी ये वीडियो कहाँ देखी जा रही है ये मुझे भी नहीं पता है। तो इस तरीके से बड़ी ही आसानी के साथ में जो हमने डॉक्यूमेंट बताए हैं और इसके साथ में जो भी हमें अप्लाई करने का प्रोसेस बताया है ये फॉलो करेंगे आपको खाद का लाइसेंस 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा और यहाँ से आप बिजनेस भी अपना अच्छा खासा शुरू कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं।
एक चीज और हम दोस्तों यहाँ पर आपको बता देते हैं कि हमने खाद लाइसेंस के बारे में तो इस वीडियो में बता दिया। अगर आपने अभी तक सीड लाइसेंस यानी कि बीज लाइसेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके साथ में कीटनाशक यानी कि पेस्टिसाइड लाइसेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया है और वहाँ पर भी हमने डिटेल में आपको बताया है कि सीड या फिर पेस्टिसाइड का लाइसेंस आप किस प्रकार से ले सकते हैं। आई होप दोस्तों की वीडियो में आपको जानकारी सही लगी होगी। जो भी तरीका हमने बताया है खाद लाइसेंस लेने के लिए और जो भी अप्लाई करने का प्रोसेस, इसके साथ में डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, ये हमने आपको डिटेल में बता दिया है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।